संगीत सरिता मरुधरा की संगीत धारा में शास्त्रीय संगीत राजस्थान के लोकगीतों पर आधारित इस श्रृंखला की ये है 14वीं कड़ी। संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार और विविध भारती के इस स्टूडियो में आमंत्रित सभी कलाकारों को भी नमस्कार। मित्रों, आज की कड़ी के लिए गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं कोहिनूर लंगा और उनके साथी।
कोहिनूर लंगा और साथियों का ये गाया हुआ गीत सुनकर बहुत ही आनंद आया। खड़ताल के साथ समूह स्वर में जो समा बंध गया, क्या कहने, वाह। लेकिन महेंद्र जी, इस गीत का मतलब समझ में नहीं आया। इसमें दरअसल मेहंदी की बात की है। आप जानती हैं कि मेहंदी कितनी मशहूर है राजस्थान के हर जगह, है ना। हर महिला के लिए मेहंदी बहुत ही एक महत्वपूर्ण श्रृंगार का साधन है जी। तो मेहंदी उगाने से लेकर मेहंदी रचाने तक जितने जतन करने पड़ते हैं, उनका जिक्र महिलाएं अक्सर गीतों में करती हैं। तो वो कह रही है नायिका, ननद भाई ने मेरे साथ बैठ करके इसको कूटा है, पीसा है, फिर घर के सब लोगों ने इसे भिगोया है और उसके बाद मेरे मेहंदी रचाई है। तू तो परदेश चला गया है, लेकिन देख मेरे हाथों में मेहंदी कितनी गहरी रची है। और इतनी गहरी रची हुई मेहंदी को देखकर घर के सब लोगों को, आसपास के सब लोगों को पता लग गया है कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। क्योंकि यही माना जाता है कि जितनी मेहंदी ज्यादा रचती है, उतना ही उसका प्रेमी या पति ज्यादा प्यार करता है उसे। तो वो कह रही है नायिका कि इतनी मुझे शर्म भी आ रही है और मुझे प्यार भी उमड़ रहा है तेरे ऊपर, क्योंकि सबको पता लग गया है कि तू मुझे कितना प्यार करता है। सही बात, बहुत सुंदर ये भावना की जो मिठास है जी। और जी। अब हम बढ़ते हैं इस गीत के शास्त्रीय संगीत के पक्ष की ओर, और मैं गुजारिश करूंगी विदुषी डॉक्टर एन राजम जी से और डॉक्टर प्रकाश संगीत जी से कि वे अपनी चर्चा शुरू करें, ताकि इस गीत में कौन सा राग है और उस राग के बारे में हमें जानकारी मिले। अभी आप लोग ये बता पाएंगे कि ये जो गीत है किस राग पर आधारित है, आपके कुछ राग है? अच्छा, ये हमारा गाना है जो इसको कहते हैं हम गोडवाड़ी। गोडवाड़ी, गोडवाड़ी शास्त्रीय संगीत में प्रकाश जी गोडवाड़ी करके नाम ऐसा कोई इसको राग मुझे लगता कि हम तो धानी कहेंगे इसको, धानी के नजदीक है ना, धानी के जी। तो मैं थोड़ा धानी का विवरण दे दूं जी। धानी राग का थर्ड तक काफी बताया है, इसमें ग और नि कोमल है, बाकी स्वर तो शुद्ध है। उसका आरोह इस प्रकार है, सा ग म प नि सा, सा नि प ग म ग, सा रे नि ग सा, सा ग म ग म प, म प ग म ग रे नि ग रे सा। इसमें बंदिश भी है जी, वो रचना सुना दीजिए जी। जी हाँ, सखी मानत नाही लंगर वाधीट, सखी मानत नाही लंगर वा, सखी मानत नाही लंगर वाधीट, सखी मानत नाही मानत नाही मानत मानत नाही, सखी मानत नाही लंगर वाजीट, ऐसी बार जोरी करत मैं कर करू मानत नाही। गामा पनी पगम गामा पनी गारनी पगम गामा पनी सानी पम करे सा मानत नाही। बजाइया मानत नाही मानत नाही मानत ना नाही हो तो नीर भरन जमुना हो तो नीर आ 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
साथ जमुना हूँ। पमा गामा बनी दामा गारे दारे दाने दबा मगा गामा बनी दामा गारे दाने दा पमा गामा गा पमा गारे दाने दा गामा पानी दाने दा गा गामा पानी दाने दा गा गामा पानी दा ओ तो नीरा बारने जाती जमुना भूतो नीरा सख मानत नाही लंगर वार सख मानत नाही साखे मानत ना। अब इन भाइयों ने जो प्रयोग किया था उसमें धैवत लगा दिया तो ये भीमपलास राग हो गया, तो ये फर्क होता है धानी और भीमपलास में। ठीक है, साखी मानत नाही लंगर वाधे साखी मानत नाही सखे मानत मानत नाही मानत नाही मानत नाही। ये था राग धानी शास्त्रीय गायन के साथ, मतलब बंदिश के गायन के साथ साथ वायलिन के सुर, और उसी के साथ हमारे लोक गायकों ने अपने भी सुर मिलाए और एक अद्भुत वातावरण तैयार हुआ। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। मरुधरा की संगीत धारा में शास्त्रीय संगीत, राजस्थान के लोक संगीत पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी 14वीं कड़ी। आज आप सुन रहे थे कोहिनूर लंगा और साथियों का गाया गीत और उस पर चर्चा। शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ हैं गायक डॉक्टर प्रकाश संगीत और वायलिन वादिका विदुषी डॉक्टर एन राजम, तबले पर संगत बालकृष्ण अय्यर की, हारमोनियम पर संगत सुधीर नायक, रिकॉर्डिंग इंजीनियर दिलीप कुलकर्णी। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय